अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी के नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज के साथ सूफी एजुकेशन पॉइंट में आपका होस्ट मैं हूं सैयद नासर। और आज हम दूसरी वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो 20 एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे 2017 के पेपर को। तो चलते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर पहले क्वेश्चन जो 21 है। डेस्टिमोना इज ए करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है उसका, उसमें एक डेस्टिमोना करेक्टर है, वो कौन से प्ले में है? तो वो है ओथेलो ए। 22 आ गया आगे। इन ओथेलो डेस्टिमोना कैन बी कंसिडर द डैश ए फॉइल ऑफ इयागो, यागो की वजह से उसके साथ ये चीज़ें। स्टेटमेंट कंप्राइजेस एग्जाग्रेशन इज कॉल डैश, इसका डी है हाइपरबोले। 24 व्हाट इज नोन एज इनफेक्चुअल एंजल, हु इज नोन एज इनफेक्चुअल एंजल, ये इसका है डी शैले। 25 एसे द मेटाफिजिकल पोएट बाय, ऐसे जो मेटाफिजिकल पोएट किसने लिखा है वो है टी एस एलियट। 26 पिकविक पेपर इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन, इसका डी आंसर है। 27 हु रिप्रेजेंट प्राइड एंड प्रेजुडिस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नावल है उसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस को किसने रिप्रेजेंट किया, ये है एलिजाबेथ बेनेट। एंड्रिया डेल सार्टो इज पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ए है इसका क्वेश्चन का आंसर। हमारसिया इज आल्सो नॉन ट्रेजिक फ्लॉ, इसका ए है जब प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ किसी का सफर हो तो ये हमारसिया की वजह से होता है। इन एडिपस रेक्स, 30 नंबर क्वेश्चन है। इन एडिपस रेक्स एडिपस एंड हिज फादर कॉमन, एडिपस में और उसके फादर जो लोइस था उसमें कौन सी चीज़ कॉमन थी, उसका है ए ओवरराइड फेट। 31 शेक्सपियर प्ले कन्फर्म थ्री यूनिटीज इन, कौन से जो ड्रामा के अंदर शेक्सपियर की थ्री यूनिटीज जो हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, वो साथ साथ हैं, वो है हेमलेट सी। उसके बाद कंप्लीट द क्वोट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ डैश प्ले ऑन, ये इसका है सी लव। 33 हाउ डज वियोला डिस्गाइज हर सेल्फ, इसका सी आंसर है शी ड्रेसेस हर लाइक ए मैन। 34 पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये किसने कहा था 34 का, ये है इसका आंसर बी विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके बारे में कहा था। 35 व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशम्स मैनर, तो इसका आंसर है ए स्टेटिस हाउस। 36 व्हाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ, जो वो मिस बिंगले जो थी, मिस बिंगले जो मिस्टर बिंगले की बहन, वो एलिजाबेथ को क्यों नापसंद करती थी, क्योंकि शी इज़ जेलस ऑफ डार्सीज अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, क्योंकि मिस बिंगले चाहती थी कि मैं डार्सी से शादी करूँ, ये प्राइड ऑफ प्रेजुडिस से ये एमसीक्यूज है। लिरिकल ब्लेड इज रिटन बाय, लिरिकल ब्लेड किसने लिखा है, ये है शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज, ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज की जो पोएम्स हैं वो मिलकर लिरिकल बैलेड जो है वो बनाती हैं, ये बोथ बी एंड सी इसका आंसर है। 38 ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड और गॉड इज कॉल्ड, जैसे हमारे मुल्क के अंदर किसी मौलवियों की हुकूमत आ जाए या किसी और गवर्नमेंट में जब मजहबी लोग हुकूमत करते हैं तो इसका आंसर है सी थियोक्रेसी। 39 पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, सी है इसका आंसर मैथ्यू आर्नल्ड। 40 नंबर जो आखिरी एमसीक्यू है आज का वो है व्हाट वाज द निक नेम ऑफ हेमिंगवे, हेमिंगवे का जो निक नेम है लिटरेचर में वो क्या है, उसको ए है पापा, पापा हेमिंगवे के नाम से उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की दूसरी वीडियो थी, वो मज़ीद भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बगैर किसी तखीर के पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।